भारत के T20 वर्ल्ड कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद हार्दिक के चयन पर सवाल उठने लगे। क्रिकेट पंडित कहने लगे कि हार्दिक बतौर ऑलराउंडर ही टीम में जगह बना सकते हैं। अगर वह बतौर बल्लेबाज खेलना चाहते हैं तो टीम में उनसे बेहतर कई खिलाड़ी हैं। ऐसे में हर किसी की निगाहें हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी पर थी। IPL 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को रिलीज कर दिया और गुजरात टाइटंस ने इस हरफनमौला का न सिर्फ हाथ थामा बल्कि टीम का कप्तान भी नियुक्त किया। हर कोई जानता था कि अगर हार्दिक पांड्या को टीम में वापसी करनी है तो उन्हें हर हाल में IPL में परफॉर्म करना होगा। एक तरफ टीम इंडिया हार्दिक की गैर मौजूदगी में वेंकटेश अय्यर और शार्दुल ठाकुर जैसे कई खिलाड़ियों को आगामी T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए मौका दिया जा रहा था, वहीं उनके फैंस को यह चिंता सता रही थी कि क्या कप्तानी के बोझ तले ये खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दे पाएगा। हार्दिक ने न सिर्फ अभी तक गुजरात टाइटंस को बेहतरीन अंदाज में लीड किया है बल्कि गेंद बल्ले और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में धमाल भी मचाया है। हार्दिक इस समय IPL 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में 228 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं 140 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से गेंदबाजी हर किसी का ध्यान अपनी ओर फिर से आकर्षित किया है। फील्डिंग में तो उनकी मुस्तैदी का कोई जवाब ही नहीं है। 28 साल का यह हरफनमौला खिलाड़ी अब अपने पुराने रंग में लौट चुका है और टीम इंडिया में वापसी के लिए तैयार है। हार्दिक की वापसी का मतलब है कि उन खिलाड़ियों की टीम से छुट्टी होना जिन्हें टीम इंडिया उनके रिप्लेसमेंट के रूप में मौका दे रही है। ऐसे में सबसे पहला नाम वेंकटेश अय्यर का आता है जिन्होंने घरेलू T20 सीरीज में भारत के लिए फिनिशर का रोल अदा किया है। वहीं कुछ और गेंदबाज भी थे मगर हार्दिक के इस परफॉर्मेंस के आगे वह नहीं टिक पाए। अगर अब कुछ अनहोनी नहीं होती है तो हार्दिक की टीम इंडिया में वापसी और T20 वर्ल्ड कप 2022 में उनका चयन तय माना जा रहा है। हाँ, वेंकटेश अय्यर को चयनकर्ता हार्दिक पांड्या के बैकअप के रूप में जरूर रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स 17 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।